हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, पहले हॉर्न को हटाएं। हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि भैया इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों, जैसे ही यूट्यूब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे शॉर्ट वाले सेक्शन की, यूट्यूब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डिसेबल कर देता था। पर फिर भी जैसे तैसे लाएं, देखो सीखो जानो बनाओ और व्यूज़ पाओ। हाँ, तो YouTube पे शॉर्ट रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेशक YouTube पे चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोग खोलेंगे अपनी YouTube ऐप को। YouTube ऐप खोलने के बाद आपको मिलेगा एक प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन, पहला अपलोड अ वीडियो, दूसरा क्रिएट अ शॉर्ट, तीसरा गो लाइव का। हम लोग क्लिक करना है क्रिएट अ शॉर्ट पे। क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक YouTube शॉर्ट क्रिएशन वाला इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एक बड़ा सा लाल कलर का बटन, अगर इसको दबाए रखोगे तो वीडियो उतनी देर तक रिकॉर्ड होती आएगी, इतनी देर तक आपने इसको दबाए रखा है, और जैसे ही छोड़ोगे वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि वीडियो रिकॉर्ड होती रहे, तो आपको बस एक सिंगल प्रेस करना है और छोड़ देना है, वीडियो रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक होगी जब तक, मतलब जितना टाइम आपने सेट किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर जब तक आप वापस से उस बटन पर प्रेस ना कर दो। अब इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कितनी देर की कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। लाल बटन के ऊपर ही आपको 15 सेकंड दिख रहे होंगे, अगर उस पर क्लिक करोगे तो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कि आप मिनिमम 15 सेकंड और मैक्सिमम 60 सेकंड की वीडियो बना सकते हो। और YouTube पे अपलोड करने के लिए आपको कम से कम 5 सेकंड की वीडियो बनानी होगी, इसके बिना वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो जो यहाँ पे हमें और ऑप्शन मिलते हैं वो है राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे, सबसे पहला फ्लिप का। फ्लिप क्या है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका कैमरा फ्लिप हो जाएगा, मतलब अगर फ्रंट चल रहा है तो बैक आ जाएगा, बैक चल रहा है तो फ्रंट आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है स्पीड का। ये क्या है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नीचे स्पीड बार आ जाएगी, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं 0.3x, 0.5x, 1x, 2x और 3x। ये कैसे काम करता है, तो बात करते हैं स्पीड वाले ऑप्शन की, कि यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो 3x का ऑप्शन और आपने टाइमर लगा के रखा है 15 सेकंड कि आपको 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो ये बेसिकली करता ये है कि ये 45 सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर उसमें से हर एक 30 फ्रेम में से 10 फ्रेम काटता है, मतलब 20 फ्रेम काटता है, और आपको देता है 15 सेकंड की वीडियो। बस उस वीडियो को ये फास्ट कर देता है तीन गुना तक, उस वीडियो को तीन गुना फास्ट करने के लिए तीन गुना ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड भी करता है। यही ऑप्शन इसके अपोजिट होता है, जब आप 0.3 का ऑप्शन लेते हो तो इस वीडियो को कम समय के लिए रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके फ्रेम्स को स्लोली स्लोली बढ़ाता है, जिसकी वजह से वीडियो स्लो लगती है। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टाइमर का, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो टाइमर, फिर उसके बाद जब आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड होना उतने टाइम के बाद चालू होगा जितना टाइमर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। अगर आप अकेली वीडियो बना रहे हो तो ये आपके काम का हो सकता है। तो इतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको नीचे एक चेक आइकॉन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास एक अलग स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट लिखने का और अपनी वीडियो में साउंड लगाने का। तो आप यहाँ पे YouTube पे मौजूद किसी भी वीडियो की मतलब ऑडियो उठा सकते हो, उसको अपनी वीडियो में लगा सकते हो और अपलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट लिख सकते हो, अगर कुछ लिखना चाहते हो अपनी वीडियो के ऊपर तो भी यहाँ से कर सकते हो। तो इतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको नीचे एक चेक आइकॉन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपलोड करने का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। सबसे पहले क्रिएट अ टाइटल, आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखना होगा जो भी आप इस वीडियो को देना चाहते हो। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी में आपको वही सेम ऑप्शन मिलेंगे जो पिछली वीडियो में बताए थे नॉर्मल यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए। सबसे पहला पब्लिक, दूसरा अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल का। यही ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है जो भी आप चाहते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन मेड फॉर किड और नॉट। इतना करने बाद आपको ऊपर अपलोड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, आपकी वीडियो अपलोड हो गई। हाँ, तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो यूट्यूब पे शॉर्ट रिकॉर्ड करना अपलोड करना तो आ गया है, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँ तो यहाँ से मैं ना तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सजेशन दूंगा और ना ही अपलोड करने के लिए। इसके लिए आपको बेहतर ये रहेगा कि बाहर से वीडियो रिकॉर्ड करो, किसी अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो जिससे एडिट करो, आपकी एडिटिंग अच्छे से हो सके, उसके बाद उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो।
हाँ तो इस वीडियो देख के YouTube शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना और अपलोड करना तो सीख लिया, लेकिन अगर अभी तक चैनल नहीं बनाया तो चैनल बनाने के लिए ये एक लौती बगल में वीडियो आई, उस पर क्लिक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि YouTube से रिलेटेड अलग अलग टिप्स और अपडेट बताते रहें और आपको पता चलता है।